तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आज है ट्रिप का डे टू और अभी जस्ट सो के उठा हूँ। टाइम हो रहा है 8 बज के, शायद 10-15 मिनट हो गए, पूरा 8 ही बजे। तो कुछ यहाँ पे सुबह ऐसी ही दिखाता हूँ। ये डोम है जो मैंने हॉस्टल के अंदर है, पर कोई है नहीं यहाँ पे, मैं ही हूँ अकेला। पूरे रूम में सब खाली है। चलिए, यहाँ पे कोई है नहीं होटल में, क्योंकि वो होटल वाला बता रहा था इसका, इस वाले जो हॉस्टल का आज रेनोवेशन है तो ये बंद हो रहा है अब, और शायद 2 या 3 महीने बाद खुलेगा। तो पूरा होटल बंद हो रहा है, तो इसीलिए कल रात को बुकिंग नहीं कर रहा था। और मैं आया 10 बजे था, तो उन्होंने लास्ट बुकिंग मेरी करी है। तो दिखाता हूँ, ये कुछ यहाँ पे ऐसा है बाहर का। वो सनराइज हो चुका है यार, मैंने गलती कर दी, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। कल मैं सुबह ही निकलूंगा यहाँ से, अर्ली मॉर्निंग। मेरा प्लान तो यही है जल्दी निकलने का। तो बस यही है, अभी जस्ट जाके फ्रेश होता हूँ और निकलता हूँ, क्योंकि ये चेकआउट करना है यहाँ से, फिर दूसरा हॉस्टल देखना है, क्योंकि ये नहीं लेंगे दूसरी बुकिंग, मना कर रहे थे। अपना हॉस्टल और बाइक पे, मैंने अभी सूट तो नहीं पहन सकता था क्योंकि बैग में जगह नहीं है, सिर्फ बैकपैक है मेरे पास और सूट बहुत बड़ा है, 10-15 किलो का होता है। तो मैंने बाइक पे बांध दिया सूट अपना, क्योंकि अभी हॉस्टल चेंज करना है। तो इनके डॉग हैं, ये हॉस्टल था। बस जूते पहन रखे हैं मैंने राइडिंग वाले, और ये था इनका गेमिंग रूम। ये गिटार रखा हुआ है और ये सब है। तो निकलते हैं, होटल चेंज, वो हॉस्टल चेंज करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। अपना रूम पूरा खाली है, कोई यहाँ पे है नहीं। चलिए, हॉस्टल ही खाली है पूरा। ये है हॉस्टल और ये इनका सामने पार्टी के लिए वो डाइनिंग लगी हुई है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए। सामने सूरज, ये रिसेप्शन है नीचे हॉस्टल का, और इसका नाम है हॉस्टलर। अगर आप आना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, जब इनका रीओपन हो जाएगा दोबारा से 1-2 महीने बाद, तो उसका नाम हॉस्टलर है। और इसका मुझे चार्ज पड़ा है तकरीबन 6-500 रुपये, 430 के करीब। हाँ, मतलब एक बेड का। तो गाइज, ये आ गया अपना न्यू हॉस्टल लिटिल बीर के नाम से। अभी जैसे इस पे मैंने शिफ्ट किया है, तो इनके बेड फुल है, तो इन्होंने एक बेड दे दिया, मतलब डोम दे दिया एक। तो ये है इसका व्यू, ये अच्छा है थोड़ा। एक्चुअली मार्केट के पास है ये, पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइड है यहीं पे ही, और ये पास में ही है, पर इतना क्राउड नहीं है। ये कि ये फिर भी थोड़ा सा, वो तो खाली था एकदम, जैसे मैं था कल वहाँ पे, कोई नहीं था, सिर्फ मैं था, 2 लोग और थे पूरे उनके होटल में, सिर्फ 2 लोग और थे। ये तो फिर भी है थोड़ा बहुत लोग इसमें। तो कुछ खाने के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, पैराग्लाइडिंग करनी है नहीं करनी है। ये है अपना होटल का, और इनके ना ऑरेंजेस लगे हुए हैं यहाँ पे पूरा इसमें। तो आगे इनका होटल पूरा। तो ये हॉस्टल थोड़ा सा अच्छा है, बट एक ही दिन है मेरे पास, कल निकलना पड़ेगा। मैंने कल का टाइम ना वेस्ट कर दिया, मुझे कल यहाँ पर आना चाहिए था, पर कुछ कर भी नहीं सकता था, सिर्फ मैं वहाँ पे सोया हूँ रात को, लेट पहुँचा। उसके बाद कुछ करने के लिए मिला नहीं, अभी कुछ है नहीं। सोच रहा हूँ पैराग्लाइडिंग कर लूँ जाके, ट्राई कर सकते हैं यार ऐसे पैराग्लाइडिंग, क्यों? अब आया हूँ तो वेस्ट क्यों करूँ, डर निकालना तो पड़ेगा कुछ भी करके। चलते हैं यार पैराग्लाइडिंग करने के लिए, उसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे।
बस अपना चिल विल मारो ख़त्म। तो भाई ऐसे सोचा कि थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करके आता हूँ। हेलो, हाँ भाई मैं पैराग्लाइडिंग साइट पे ही हूँ, आ गए। तो गाइस अपना बुक हो गया है पैराग्लाइडिंग, 2500 रुपये लिए हैं और मैं अकेला ही था, अभी उसका वेट कर रहा हूँ। कह रहा है एक लड़का और आ रहा है, मेरी आँख में पता नहीं कुछ मच्छर चला गया था, अभी मैं वीडियो बनाते हुए आया था तो मैंने शूट नहीं की। तो ये इनकी दुकान है, होम स्टे कैफे। जी 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 नायक एडवेंचर के नाम से इनकी शॉप है, नहीं सॉरी मिल्स पीक एडवेंचर, वो नायक पीछे है, तो मेन मार्केट में ही है। 2500 रुपये लिए इन्होंने, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस ये स्टार्ट करने आ गए हैं पैराग्लाइडिंग। ये इसका टेक ऑफ पॉइंट एक ये है और एक है वहाँ ऊपर जहाँ पे वो लोग दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, एक टेक ऑफ पॉइंट वो भी है। दो टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ से और ये अपने ड्राइवर हैं, ये हैं अपने जो करवाएंगे, ड्राइवर बोल सकते हैं इनको, राइडर बोल सकते हो इन्हें भी। नाम क्या आपका? विक्रम। विक्रम ये कंपलसरी है हेलमेट सेफ्टी के लिए? नहीं नहीं ठीक है, एक्चुअली नॉर्मल होना चाहिए ना, टाइट भी होना चाहिए, कभी लूज हो तो निकल भी सकता है ना। हाँ लाना चाहिए था, मैं भूल गया लाना अपना, कोई नहीं, ज़्यादा वो नहीं है, एक आध घंटे की होती है। तो यहाँ से करेंगे अपन टेक ऑफ। डर तो मुझे लग रहा था देख के वहाँ से कि क्या कैसे होता है क्या होता है, पर अब नहीं लग रहा। बच्चे घूम रहे हैं, बोला एक अपने भाई रेडी। ऐसा लग रहा हूँ भाई मैं कुछ ये सेफ्टी गेट्स पहन के, राइडिंग वाले बहुत पहने पर ये पहली बार है। सिर्फ भागना है आपको। ओके दोनों आर्म्स ऐसे रहेंगे ना? हाँ एंड तक। हेलो तो लेट्स स्टार्ट रनिंग गाइस, रेडी स्टेडी 1 2 3 रन। चलो चलो आगे चलो आगे चलो 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 के बैठो और पीछे आ जाओ जितना अंदर आ सकते हो आप। ठीक है ठीक है आप आओ अंदर आप। ठीक है तो कैमरा लेना मेरे वाला परफेक्ट भाई, मजा आ रहा है एकदम। शुरू में लग रहा था डर ये लो कैमरा। ठीक हो आप कंफर्टेबल? हाँ हाँ एकदम टॉप नॉच, मजा आ रहा है भाई। सी लेवल से 8,500 फीट पे टेक ऑफ है। ओके अभी हाइट गेन करेंगे, कंडीशन देखते हैं, अगर कंडीशन होगी बढ़िया वाली तो हाइट गेन कर लेंगे। हाइट गेन करेंगे कौन सा ऊपर है?
विंड के हिसाब से चलता है, मतलब जितना विंड के अकॉर्डिंग भी कंट्रोलर है मेरे पास। अच्छा, मैं कंट्रोल करूंगा। और जैसे अगर विंड हल्की हो तो नहीं जाता ऊपर? नहीं, जैसे आप सनराइज टाइम जाएं या सनसेट टाइम पे तब ऊपर ले जाओगे। वही है जो हमारे साथ था। हाँ, ऊपर जाने के लिए। ग्रेविटी खतरनाक भाई, हिल गए अभी। कहाँ जैसे बताऊँ मैं, नॉर्थन कैफे के ऊपर। ओ ये तो खतरनाक है भाई, काफी मजा आ गया इसमें। ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं ना। हो गए।
भाई बहुत मजा आया। एक चीज से तो बहुत मजा आया लास्ट में। इसने एक चीज करवाई थी भाई, वो ऐसे गोल गोल घुमा दिया पूरा उसमें, और वो सिर्फ हमने कराया भाई। डर ये फेस होता है ना, ऐसे दांत खुल के वो गए तो भाई पूरा घुमा दिया, पैराशूट नीचे तो और पैर ऊपर। पर भाई मजा आ गया, बहुत खतरनाक। कह रहा तो चार्जेबल है, पर जो चीज वो करी है ना, वो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। आप बालों के साथ ये बनौफी पाए ट्राई करते हैं, पर ये इसने खुद सजेस्ट किया, मैंने नहीं मांगी थी। मैं तो मैंगो वाली खाता, अगर अपने उससे लेता तो ट्राई करता हूँ। ये पाई है